पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रावासों में अब विश्वविद्यालय प्रशासन गर्ल्स हॉस्टल की तर्ज पर 22,000 रुपये शुल्क लेकर मेस चलाएगी। उसका संचालन वार्डन के साथ छात्रों की कमेटी बनाकर की जाएगी। इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन किसी भी प्रकार का टेंडर नहीं करेगा। गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण ने बताया कि छात्रों की मांग पर मेस का शुल्क घटाया गया है। उन्होंने बताया कि मेस चलने से विश्वविद्यालय में अराजकता कम होगी, बिजली की खपत कम होगी। छात्रावासों में जो छात्र हीटर जलाकर खाना बनाते थे और बिजली का बोझ बढ़ता था, उससे निजात मिलेगी। कुलपति ने बताया कि मेस प्रारंभ होने के बाद अगर कोई छात्रावासी हीटर का प्रयोग करते मिलता है तो उसे तत्काल हॉस्टल से निकाल दिया जाएगा। गोरखपुर न्यूज से विशेष बात करते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह ने बताया इसको कि हम अपनी से पढ़ा हुआ हैं। एसीएस क्या है फाइल? अच्छा, कोई हंगामा चला। बेशक विगत 20-30 सालों से मैच चलता ही नहीं था हॉस्टल में। मैच जब चलता होता तब हंगामे में, जब भी कोई नई चीज़ शुरू की जाती है तो व्यवस्थाएं बनाने में टाइम तो लगता ही है, लोगों को पता नहीं रहता है। और जो हॉस्टल का मैच चलता है उसमें विश्वविद्यालय का कोई रोल नहीं, उनके अपने पैसे से चलेगा, उन्हीं के द्वारा मेंटेन होगा विश्वविद्यालय। उसमें न कोई टेंडर प्रक्रिया अपनाता है, न कोई। विश्वविद्यालय का काम सिर्फ इतना ही है कि वो फीस लड़कों से ले करके कलेक्ट कौन करेगा, फिर उनको पूरा पैसा उन्हीं को दे देना। और ये छात्रों द्वारा ही संचालित किया जाता है। गर्ल्स हॉस्टल में भी छात्रों छात्र वहाँ की छात्र छात्राएँ चलाती हैं, ये भी छात्रों की सहभागिता से ही चलेगा। तो जो भी विश्वविद्यालय में पैसा लड़का जमा करेगा मेस के नाम पे, वो पैसा पूरा पूरा उनके मेस कमेटी को ट्रांसफ़र हो जाएगा, जिसमें मेस कमेटी में छात्र ही रहेंगे, वही उसके चलाएंगे उस मेस को। क्या मीनू होगा, कितना कब चलाना है, कितना क्या खिलाना है, ये सब उन्हीं के द्वारा होगा। फीस को लेकर के जो वार्डन्स ने तय किया था कि एक अच्छा खाना डाइट देना है, तो 36,000 रुपये सालाना निकाला था उन्होंने। 36,000 रुपये के लिए साल भर में 120 रुपये पर डाइट आ रहा था, जिसमें दो टाइम का नाश्ता और दो टाइम का खाना, उसके हिसाब से 120 रुपये 36,000 आ रहा था। लेकिन वार्डन्स वगैरह ने कैलकुलेट करके बात करके किया कि नहीं, इसको 30,000 तक किया जा सकता है। 30,000 रुपये में हम उसको उनको खाना खिला सकते हैं और नाश्ता भी दे सकते हैं। लेकिन लड़कों की डिमांड ये थी कि चूँकि गर्ल्स हॉस्टल में जो पैसा दिया जाता है, जितना गर्ल्स हॉस्टल में तो कई सालों से चल रहा है, आज की डेट में जो गर्ल्स हॉस्टल में पैसा दिया जा रहा है उतना ही हम लोगों से भी लिया जाए। हालांकि ये माना जाता है कि बॉयज़ की डाइट ज़्यादा बेहतर ज़्यादा होती है वह गर्ल्स के मुकाबले, तो इस वजह से थोड़ा सा इसमें खर्चा ज़्यादा आएगा। लेकिन फिर भी वार्डन्स ने कहा कि नहीं ठीक है, हम उसको 8 महीने तक चलाएंगे और हम 22,000 रुपये में मैनेज करेंगे। और जैसे गर्ल्स हॉस्टल में है ठीक उसी तरह से हम व्यवस्था उसी व्यवस्था के तहत हम बॉयज़ हॉस्टल में भी चलाएंगे और 22,000 रुपये में लड़के देंगे। 17,000 की पहले किस्त, 5,000 रुपये दूसरी किस्त देंगे और दूसरी किस्त दिसंबर में फिर ड्यू हो जाएगी और उसी पैसे से 22,000 से मैं चलेगा उन्हीं कंडीशन के साथ जिस कंडीशन के साथ गर्ल्स हॉस्टल में चलता रहा है, उन्हीं उसी रेट पे उसी कंडीशन के साथ में। और गर्ल्स हॉस्टल में पिछले कई सालों से चल रहा है तो वही व्यवस्था बॉयज़ हॉस्टल में किया जा रहा है। और बॉयज़ हॉस्टल में जो छात्र पैसा देंगे उन्हीं का एडमिशन होगा, ताकि जो विश्वविद्यालय में अराजकता रहती है एडमिशन उसके नाम पे, कक्षा आवंटन के नाम पे, रूम के आवंटन में लड़के हीटर यूज़ करते थे, अराजकता लगती, हमारा लाइन बस करता था, बिजली व्यवस्था ख़राब होती थी कैंपस में, लड़के हॉस्टल में कमरों में खाना बनाते थे हीटर यूज़ करके, घटना दुर्घटना होने का डर रहता था और अराजकता समाप्त होती थी। लड़के दूसरे के नाम पे दूसरे लड़के रहते थे, बार बार उनको निकाले जाने पे भी दिक्कत जाती थी। तो अब वो लड़का जेन्युइन लड़का ही एडमिशन लेगा, उन्हीं का प्रवेश होगा हॉस्टल में, उन्हीं को रूम अलाटमेंट होगा और स्ट्रिक्टली हीटर की मनाही रहेगी। किसी भी कमरे में अगर लड़का हीटर चलता हुआ पाया जाएगा तो उसको निष्कासित कर दिया जाएगा सीधे। गर्ल्स हॉस्टल की रेट पे, गर्ल्स हॉस्टल की कंडीशन पे हम बॉयज़ हॉस्टल में मेस चलाएंगे, लेकिन वो मेस संचालन टोटली लड़कों के द्वारा ही किया जाएगा, है ना। वो मेस कमेटी में वही रहेंगे, खरीदारी से लेके मेस चलाने में बस वेंडर वगैरह भी वही लोग तय करेंगे। विश्वविद्यालय का उसमें डायरेक्ट कोई रोल नहीं होता है, है ना। जैसे गर्ल्स हॉस्टल में चलता है, विश्वविद्यालय का डायरेक्ट कोई रोल नहीं है। गर्ल्स कौन चला रहा है मेस, खाना कौन बना रहा है, कुक कौन है, ये वार्डन्स वहाँ की छात्र छात्राएं ये मिलकर तय करते हैं, वही आपस की सहभागिता से नो प्रॉफिट नो लॉस चलाते हैं। नहीं, ये तो नैक मूल्यांकन में हमारे हॉस्टल, तो हॉस्टल का मतलब ही होता है कि हॉस्टल में रूम होगा, अच्छा फैसिलिटीज होंगी, मेस चलता होगा। ये तो कोई ऐसा भी हॉस्टल कोई सुना है क्या कि जहाँ मेस न चलता हो? हॉस्टल में तो कंपल्सरी पार्ट है वो,
है ना, मेस हॉस्टल होना चाहिए। नैक में पहली बात तो ये कि आपके पास कितने हॉस्टल हैं। हमारे पास ऑलरेडी 4 बॉयज़ हॉस्टल हैं, 2 गर्ल्स हॉस्टल हैं, 2-3-4 नए और बन रहे हैं। तो वहाँ पर धीरे धीरे आने वाले सालों में 10-12 हॉस्टल हो जाएंगे। तो विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली में, विश्वविद्यालय की व्यवस्थाओं में हॉस्टल मैंडेटरी होता है, और जब हॉस्टल मैंडेटरी होता है तो ये तो कहने की बात है ही नहीं कि हॉस्टल में मेस भी मैंडेटरी होगा, है ना। तो ये तो कहने की बात नहीं होती कि हॉस्टल का मतलब है मेस होगा, बाथरूम होगा, कॉमन हॉल होगा, ये सब इंट्रिंसिक पार्ट है, है ना, वो उसका पार्ट होता है हॉस्टल का। तो हमारे पास हॉस्टल का कमरा बना हुआ था, मेस सालों से यूज नहीं हो रहा था, 20-25 साल से, तो मुझे जानकारी है कि कभी मेस चला ही नहीं। तो कमरे सब टूटे फूटे थे, विश्वविद्यालय उनको ठीक करा रहा है, उनको ठीक करा करके इस लायक कर देगा, फर्नीचर की व्यवस्था कर देगा, ताकि वहाँ पे जो वेंडर है छात्रों के पैसे से, छात्रों की सहायता से, वार्डन भी एक मॉनिटर के रूप में रहेगा, लड़के खुद ही अपना मेस चलाएंगे। विश्वविद्यालय का रोल सिर्फ इतना ही है कि वो पैसा लड़के विश्वविद्यालय के अकाउंट में जमा करेंगे, फिर पूरा का पूरा पैसा उन्हीं मेस कमेटी के छात्रों को दे दिया जाएगा, है ना। और मेस का इंफ्रास्ट्रक्चर हम ठीक कर दे रहे हैं, जिसमें बैठ के लड़के खाना खाएंगे, जिससे पठन पाठन के लिए उनको बेहतर समय मिलेगा, और हॉस्टल के कमरों में जो हीटर जलता था उससे जो अराजकता होती थी, उससे जो बिजली का लोड बढ़ता था, वो सब समस्याएँ मिनिमम हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, है ना।